नमस्कार, मैं रोज। मैंने अपने लास्ट वीडियो में ट्रिनिटी का इंट्रोडक्शन दिया था और अब इस पॉइंट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रिनिटी का कंसेप्ट कोई नया कंसेप्ट नहीं और ना ही नए नियम का। गॉड में एक से ज्यादा व्यक्तित्व है, इसका पुराने नियम में भी प्रूफ है। मगर जब हम नए नियम के चश्मे से पुराने नियम को पढ़ते हैं, तब हमें गॉड के उस प्लूरल फॉर्म में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का कॉम्बिनेशन है, ये क्लियर होता है। एक गॉड का तीन व्यक्तित्व। इसे समझने के लिए मैं प्रभु के दास नबील कुरैशी का एक पॉइंट उधार लेना चाहती हूँ, जिससे बीइंग और पर्सन, जीव और व्यक्ति का रियल मतलब आप आसानी से समझ पाएंगे। सुनिए, कोई मुझसे पूछे कि तुम क्या हो, तो जवाब है मैं एक मनुष्य हूँ, ह्यूमन बीइंग, ये मेरा बीइंग है, मैं एक जीव हूँ जिसे मनुष्य कहते हैं। मगर कोई अगर मुझसे ये पूछे कि मैं कौन हूँ, तो जवाब है मैं रोज हूँ, ये मेरा व्यक्तित्व है, ये मेरे अंदर का व्यक्ति है, मेरा सोच, मेरा अचीवमेंट, मेरा इमोशन, मेरा नेगेटिव, मेरा पॉजिटिव, मुझे मैं बनाता है। मतलब हर एक इंसान में एक बीइंग और एक पर्सन है। मैं एक जीव हूँ जिसको मनुष्य कहते हैं और मेरे अंदर एक व्यक्तित्व है जो रोज है। मगर गॉड के साथ ऐसा नहीं, गॉड का बीइंग तो एक है मगर उसमें तीन व्यक्तित्व है और तीनों ही व्यक्तित्व फुल्ली गॉड है। गॉड द फादर, गॉड द सन नहीं है और ना ही गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट है। इसे मैं वचनों से आपको समझाती हूँ। यूहन्ना 1:1-2, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यहाँ वचन जो आगे पढ़ने पर हमको समझ में आएगा कि ये वचन यीशु है, तो यहाँ वचन मतलब यीशु और परमेश्वर दो अलग अलग व्यक्तित्व है। ऐसे ही पहला योना 2:1, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। ऐसे ही पहला योना 2:1, इब्रानियों 7:25, ऐसे कई और वचन है जिसमें ये साफ है कि पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर अलग अलग है। ऐसे ही पिता और पुत्र होली स्पिरिट भी नहीं है, यूहन्ना 14:26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आप यहाँ पर इजीली समझ पा रहे होंगे कि तीनों अलग अलग है। कुछ लोगों को लगता है कि होली स्पिरिट सिर्फ एक शक्ति है, एक पावर, एक फोर्स है, मगर नए नियम में ये साफ है कि वो सिर्फ एक पावर, एक फोर्स नहीं, एक व्यक्ति है। यूहन्ना 14:26 में होली स्पिरिट को बातें सिखाते हुए आप पाएंगे। रोमियो 8:26-27 में हमारे लिए इंटरसीड करते हुए, प्रार्थना करते हुए आप देख पाएंगे। यूहन्ना 15:26, रोमियो 8:16 गवाह के रूप में, पहला कुरिन्थियों 2:10 में परमेश्वर की गुण बातों को जांचने वाला, पहला कुरिन्थियों 12:11 में किसी को कुछ गिफ्ट और दूसरों को दूसरा वरदान देते हुए, इफिसियों 4:30 में क्रिश्चियंस के सिनफुल लाइफ से शोकित होते हुए आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप इन बातों से सहमत हो ही जाओगे कि होली स्पिरिट सिर्फ एक शक्ति बस नहीं, एक व्यक्तित्व है जिसका अपना एक रोल है। तो अगर हम ये कहें कि तीन गॉड है तो ये गलत कैसे? ये गलत होगा क्योंकि वचन में ये साफ है कि परमेश्वर सिर्फ एक ही है। देयर इज वन एंड ओनली वन गॉड। ट्रिनिटी के तीन व्यक्तित्व का पर्पस, उनका एसेंस, उनका सार, सारांश, गुण सब एक ही है। दूसरे शब्दों में कहूं तो गॉड इज ओनली वन बीइंग। पुराने नियम का एक वचन जिसे सब यहूदी बार बार दोहराते हैं वो ये है, व्यवस्था विवरण 6:4-5, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। निर्गमन 15:11 में मूसा ने कुछ इस प्रकार गाया, हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है, तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। 1 किंग्स में भी आप देख पाएंगे, पृथ्वी की सब जातियां यह जान ले कि यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। जब परमेश्वर बात करते हैं तो वो बार बार इस बात को क्लियर करते हैं कि ही इज द ओनली ट्रू गॉड। तीन अलग अलग गॉड जिसकी अलग अलग आराधना की जानी चाहिए, ऐसा आइडिया या कंसेप्ट बिब्लिकल नहीं। God alone is the one true God and there is no one else like him. जब
वो बात करते हैं तो वही बात कर रहे हैं, ना कि तीन में से एक गॉड जो वर्शिप के योग्य है। जब वो बोल रहे हैं तो गॉड ही बोल रहे हैं, उनमें तीन व्यक्तित्व है। यशया 45 का 5-6, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। ऐसे ही कई वचन है। अब नए नियम की बात करें तो आप वहां पर भी वन गॉड का कंसेप्ट देख पाएंगे। 1 तिमोथी 2:5, रोमियो 3:3, 1 कुरिन्थियों 8:6, याकूब 2:19, सभी इसी बात को बताते हैं कि देयर इज ओनली वन गॉड। तो इस पूरे एक्सप्लेनेशन में आपको क्या समझ में आया कि ट्रिनिटी का डॉक्ट्रिन आसान नहीं है और इसे ऐसे ही एक्सेप्ट करना, ऐसे ही मानना सही है। इसे सिंपल बनाने की कोशिश कर करके इंसान बहुत सारे गलत गलत टीचिंग ले आ चुका है। हमें ट्रिनिटी का सिर्फ उतना ही ज्ञान है जितना परमेश्वर ने हमें बताया है, बाकी बातें एक रहस्य, एक मिस्ट्री है। हमारे इस छोटे से दिमाग में फिट होने वाला नहीं है द गॉड जिसने शून्यता से वचन के द्वारा इस पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की। क्रिश्चियंस को ये प्रूफ करना ज्यादा इजी होता कि तीन गॉड है, ऐसा एक्सेप्ट कर लेते तो कोई ज्यादा बात ही नहीं थी, मगर नहीं, ये सच नहीं है, इसलिए हम ऐसा बोल नहीं सकते। बस इस बात को पूरी तरह मानते हैं कि परमेश्वर अनादि से तीन व्यक्तित्व में था, है और रहेगा, क्योंकि बाइबल यही सिखाता है। गॉड इज लव, परमेश्वर प्यार है, वो अनादि से ही प्यार है। एक अकेला व्यक्तित्व अनादि से किससे प्यार कर रहा था? गॉड प्यार से भरा हुआ है। हम कैसे कह सकते हैं? हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि गॉड के तीनों व्यक्तित्व में हम एक दूसरे के प्रति प्यार, समर्पण, इंटिमेसी देख पाते हैं। बात सिर्फ इतना है कि हम एक जीव, एक बीइंग और एक पर्सन, एक व्यक्ति है, मगर गॉड एक जीव और तीन पर्सन है, तीन व्यक्तित्व है। आप इसमें से एक व्यक्तित्व को बस गॉड और बाकी दो गॉड नहीं है बोलोगे तो आप गलत हो जाओगे। सिर्फ यीशु ही को हम मानेंगे बोलोगे तो आप क्रिश्चियन नहीं हो। सिर्फ परमेश्वर पिता यहोवा को बस मानोगे, जीसस को नहीं, तो आप तक सैल्वेशन पहुंचेगा ही नहीं। जीसस को जिस दिन आपने गॉड नहीं सिर्फ इंसान के रूप में देखा तो आप गिर गए, क्योंकि कोई भी इंसान में ऐसा कोई पावर नहीं है कि वो पूरे मानव जाति का पाप खुद में समाकर मौत को खुद अपना ले और तीसरे दिन जी उठे। पवित्र रूह सिर्फ एक शक्ति है, गॉड नहीं, वो अब नहीं है, हमें नहीं चाहिए। ऐसा अगर आपने सोचा तो आप खतरे के लाइन में हैं, क्योंकि पवित्र रूह के बिना आप क्रिश्चियन बन ही नहीं सकते। ट्रिनिटी का कंसेप्ट कॉम्प्लिकेटेड है, तीन व्यक्तित्व का एक कहलाना हम इंसानों की भाषा में समझना समझाना मुश्किल है, मगर ऊपर वाले ने इसे हमारे सामने मिस्ट्री ही रखना सही समझा, तो इसे ऐसे ही एक्सेप्ट करें। हमारे मोक्ष का रास्ता हमें समझा कर दिया, वो हमारे लिए अभी के लिए काफी है, बाकी बातें उनके पास पहुंचकर सीख ही लेंगे, ये मिस्ट्री उस दिन सॉल्व हो ही जाएगी। अगर गॉड इंसान के जैसा ही है तो वो गॉड नहीं कहला सकता, वो हमसे अलग, हमसे ज्यादा बुद्धिमान, शक्तिमान, आश्चर्य कर्म का कर्ता, सब बातों का चलाने वाला, जानने वाला होने की वजह से हमें गॉड की जरूरत है। आप परमेश्वर के ज्ञान को देखिए, मेरी माँ के गर्भ में आने से पहले वो मुझे मेरे नाम से पुकारता है। आप सोच सकते हैं गॉड क्या है? वचन कहता है वो तारों को गिनता और उसमें से एक एक का नाम रखता है। वो गॉड जो समुद्र की सीमा निर्धारित करता है, वो गॉड जो महासागर को चुल्लू से मापता है और बित्ते से आकाश को, जिसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुओं से भरा, पहाड़ को तराजू में, पहाड़ियों को कांटे में तौला, ऐसे गॉड को कैसे हम साधारण इंसान पूरी तरह समझ सकते हैं? और यही इस बात की ब्यूटी भी है। इसे समझकर ही भजन 8:3 का लेखक कुछ ऐसा कहता है, जब मैं देखता हूँ तेरे आकाश को जो तेरा हस्तशिल्प है, चंद्रमा एवं नक्षत्रों को जिन्हें तूने स्थापित किया है, तब मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, मानव पुत्र क्या है कि तू उसकी सुधि ले।
मैं उम्मीद करती हूँ कि ट्रिनिटी से जुड़े डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई और सवाल है तो बेहिचक आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाइबल पढ़ते रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें और परमेश्वर से जुड़े रहें। यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करें। धन्यवाद।